हेलो दोस्तों, नमस्कार। के पी टी चैट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीडीबी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट प्रक्षक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई द्वारा अपनाई गई प्रगतिशील शिक्षा के वर्तमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि फर्स्ट ऑप्शन है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें और सीखें कि किस प्रकार अच्छी सीढ़ियां पाई जा सकती है। सेकंड ऑप्शन है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। थर्ड है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। फोर्थ है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है या किया जाता है। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा है जो सीबीएसई के द्वारा अपनाया गया प्रगतिशील शिक्षा है होती है जो बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है उसकी अपेक्षा करती है। तो जैसे कि अभी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है वो बच्चों की तार्किक क्षमता के साथ विकास के साथ साथ सामाजिक करण का विकास भी क्रिया को बल देता है, जो कि स्वयं के द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमानों में यह बच्चों की सामूहिक भागीदारिता या भागीदारी एवं सक्रिय कार्यकुशलता की उपेक्षा करता है सीबीएसई के द्वारा। तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, तो टिक कर देंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आती वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहां पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, सेकंड है पारस्परिक शिक्षण, थर्ड है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, फोर्थ है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो वाइगोत्स्की के द्वारा सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ सहयोगात्मक समस्या समाधान और बच्चे अपने शैक्षिक या शिक्षक के निर्देश अनुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर लेते हैं जिन्होंने उन्हें अपने पहली कक्षा में देखा, या इससे वे अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं और अपने निर्णय पर पहुँचते हैं एवं समस्या समाधान में पारस्परिक शिक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर द करेक्ट होगा इसका सेकंड, पारस्परिक शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अंत है सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूरा करें। वह कॉलवर्क के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक चरण फोर, कानून और व्यवस्था, सेकंड है पर औपचारिक चरण फाइव, सामाजिक संविधा, थर्ड है पूर्व औपचारिक चरण फर्स्ट, दंड परिवर्तन, फोर्थ है पूर्व औपचारिक चरण सेकंड, व्यक्तित्व और विनिमय। तो जैसे कि अभी एक शिक्षिका है वो अपनी क्लास से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण कर इस प्रकार किया जा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके और सभी विद्यार्थियों बिना किसी की सहायता लिए कार्य पूरा करें। तो कॉलवर्क के किस नैतिक चरण का ये संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं, कॉलवर्क के जो नैतिक सिद्धांत का विकास है उसके अंतर्गत कई अवस्था को जिक्र किया गया है और इसमें जो शिक्षिका कह रही है वो औपचारिक चरण फोर कानून व्यवस्था का पालन कर रही है। तो आंसर द करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है फर्स्ट अपने नियमों के प्रति घृणा, सेकेंड है स्वायत्तता, थर्ड है किशोर व्यवस्थात्मक अखड़पन, फोर्थ है परपक्वता। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 14 वर्षीय जो देविका है वो अपने आप को पृथक स्वनियंत्रित व्यवस्थित या व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है।
वह किस प्रकार विकसित हो रही है या वह किस वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है, आंसर इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं चौदह वर्षीय देविका जो आंतरिक मनोभावों से प्रेरित है, वह अपनी क्रियात्मक स्वनियंत्रित कर्तव्य की भावनाओं को विकसित करने की कोशिश कर रही है ताकि प्रस्तुत कार्यों का न केवल बेहतर संपादन किया जा सके वरना संपादक में कुशलता भी समावेश हो। इन समस्त गतिविधियों से अंतर्गत देविका के अंदर स्वतंत्रता के द्वारा दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। में प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉर्डी के अनुसार समुचित है? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सेकंड है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक भावना को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। थर्ड है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संबोधन करना चाहिए। फोर्थ है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनाना चाहिए। तो क्वेश्चन वो आ रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यह जॉन डीवी के अनुसार समुचित कर रहा है। तो आंसर करेक्ट होगा इसका कौन हमारा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ हाथ में। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। फर्स्ट ऑप्शन है चलघात या चलाघात या अप्रैक्सिया भी बोलती हैं इसे इंग्लिश में। सेकंड है पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया। थर्ड है वाक्य संबंध रोग अप्रैक्सिया। फोर्थ है भाषाघात अफेजिया। तो इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भाषा अवबोधन से संबंध जो विकार है वो कौन सा है। यहाँ पे शुद्ध हिंदी में दिए गए और इंग्लिश में भी लिख के दिए हैं। जैसे कि हम भी बात करते हैं आंसर कट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ, क्योंकि भाषा संप्रेषण अधिगम असक्तता को अफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने व अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव करता है और सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। तो आंसर इधर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग भाषाघात या अप्रेक्सिया, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत है? फर्स्ट से संबंधित नहीं है, सॉरी क्वेश्चन देखा नहीं था, ये क्वेश्चन क्या है नहीं में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह संशोधा या यह सोधा आधारित नहीं है। सेकंड है विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। थर्ड है प्रतिभाशाली विद्यार्थियां प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, या क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी उसके ओर में देना होगा। जैसे कि अभी जो हमारा आंसर नहीं है वो हमारा थर्ड, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो आंसर इधर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। सेकंड है यह सभी सात बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। थर्ड है यह केवल इब्राहिम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। फोर्थ है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन या सुसंगत नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता है क्योंकि क्यों नहीं माना जाता है, इसका एक कारण पूछा गया है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर बहुबुद्धि या बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है, साथ ही बहुआयामी बुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि उपरोक्त कुछ लोगों के संदर्भ में सही है। बहुमत में यदि बहुबुद्धि सिद्धांत के वैध मानना है तो विशिष्ट परीक्षण के अंतर्गत विभिन्न बुद्धियों को गुजरना पड़ेगा। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों को वैयक्तिक वेद फर्स्ट ऑप्शन लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को विविधतापूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। फोर्थ है सेकेंड है
हानिकारक है, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों को या विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद उत्पन्न होते हैं। थर्ड है, अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। फोर्थ है, लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्ति करते हैं। तो क्वेश्चन वो कह रहा है कि कक्षा विद्यार्थियों में व्यक्तिक भेद है, भेद पूछा गया है। तो यहाँ पे जैसे बात करती हैं कि लाभकारी है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापक को प्रवर्तित करते हैं। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, फर्स्ट ऑप्शन है, राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। सेकेंड है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। थर्ड है, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेख हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। फोर्थ है, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला गया कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, क्यों किया गया था ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों किया गया था। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, किसी भी विद्यालय का मूल उद्देश्य विद्यार्थी के सामाजिक विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया को मजबूत करना होता है, क्योंकि उनमें तर्क की क्षमता पैदा करना होता है और इसके माध्यम से कोई भी विद्यालय विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को बल प्रदान करने में सहायक होता है। इसी आधार पर विद्यालय आधारित आंकलन पद्धति को प्रारंभ किया गया था। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। सेकंड है, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। थर्ड है, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। फोर्थ है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो यहाँ पे कौन सा अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है, क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया, सीटेट में सारी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि स्व आकलन स्वयं में विविधता एवं बौद्धिक बुद्धि के एक तार्किक स्तर की तरफ इशारा करता है, जो कि हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ हाथ में। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिलान या मिला हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। सेकंड है, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक छह या क्षण कौन सा था। थर्ड है, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पकविधाएं लिखिए। फोर्थ है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मानकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तर परिणाम को मापने में सर्वाधिक प्रवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पे ठीक मिलान पूछा गया है क्वेश्चन में, तो कौन सा मिलान यहाँ पे सही होगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं, विश्लेषण की प्रक्रिया को व्याख्यित करना, प्रश्न के अनुसार कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम को प्राप्त करने कराने या पाने में सर्वाधिक प्रमुख है। विश्लेषण परक मानसिक स्तर को बताता है कि इसके माध्यम से मानसिक क्षमता के द्वारा व्यापक और तार्किक इस्तेमाल को बताया गया है। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग फोर्थ आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ब्लैक में प्रेस करें, जिससे वीडियो मिलती रहेंगी आपको। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। फर्स्ट ऑप्शन है, उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। सेकेंड है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। थर्ड है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। फोर्थ है, इस बात पर बल देना कि
आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछा रहा है कि कौन सी विधि सर्वाधिक लाभकारी होती है, हो सकती है, जो कि अपेक्षाकृत पूरी कर सके, आपकी अपेक्षा पूरी कर सके, जो कि वंचित विद्यार्थियों को भागीदारता को द्वारा सफल बना सके या हो सके। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि हमें बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट होगा कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास अभिव्यक्त कर सकें। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ऑप्शन देखते हैं। आत्मविमोह, सेकंड है प्रामस्तिष्क घात, थर्ड है पर अविघात तनाव, फोर्थ है न्यून अवधान प्रक्रिया विकार। तो यहाँ पे कौन सा विकासात्मक का विकार नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि जो नहीं आंसर है हमारा वो होगा थर्ड पर अविघात तनाव, क्योंकि यहाँ पर बालक के विकास की प्रक्रिया में अनेकों बीमारियाँ पाई जाती हैं। इनमें आत्मविघोर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा अपने आसपास के पर्यावरण से अनजान रहता है, और प्रमस्तिष्क घात के अंतर्गत बच्चे में संवेदनशील का लोप हो जाता है और उनमें शारीरिक अक्षमता का विकास हो जाता है। इसी तरह न्यूरॉन अवधान प्रक्रिया विकार के अंतर्गत बच्चा किसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करने में अक्षम होता है। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेगी। क्वेश्चन देखते हैं, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें और परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, सेकंड है उपचारात्मक शिक्षण, थर्ड है विभेदित अनुदेशन, फोर्थ है पारस्परिक शिक्षण। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें, परिवर्तनशील जटिलता एवं सामग्री का निम्नलिखित से किससे संबंध है। जैसे कि हम भी बात करते हैं, आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा विभेदित अनुदेशन, थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। साथ में निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। फर्स्ट ऑप्शन है वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं और सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। सेकंड है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। थर्ड है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। फोर्थ है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क की शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए सबसे क्या समुचित है, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जैसे कि बात करती है, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए प्रत्येक चीज न केवल आसान व बल्कि मानसिक सीमा की प्रतिम है, लेकिन प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता में उच्च गर्व की अवस्था में छोटी छोटी चीज़ों को नजरअंदाज करने की आदत भी हो जाती है, जिसका प्रभाव उन्हें निम्न श्रेणी पाने के लिए मजबूर कर सकता है। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मता सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, सेकंड है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, थर्ड है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, फोर्थ है विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं, विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए योजना का निर्माण किया जाता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का भी जन्म हो जाता है कि विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी विद्यालय के ऊपर आ जाती है, वह समावेशी विकास पर जोर देना लगता है, लेकिन यह व्यवस्था विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर ही संभव है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं साथ साथ में, क्वेश्चन देखेंगे अगला, बच्चों में सीखी गई निशन सहायता का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, सेकंड है कक्षा गतिविधि के प्रति कठोर निर्णय,
थोड़े अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। फोर्थ है, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बच्चों में सीखी गई निःसहायता का कारण है, कारण पूछा गया है। तो जैसे कि अभी बात करती हैं, बच्चों में सीखी गई निःसहायता से तात्पर्य उस स्थिति या व्यवहार से होता है जिसमें वह मानसिक रूप से सफलता को लेकर अनिश्चितता या नकारात्मक की व्यवहार का अनुभव करने लगते हैं। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, सेकंड है मोबाइल फोन चलचित्र कॉमबॉक्स खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए, थर्ड है जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाई को वर्णन करे, फोर्थ है घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे सके या दें। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी है लगातार निम्न श्रेणी स्तर का प्राप्त कर रहा है विद्यालय कक्षा के अंतर्गत, तो उसके पेरेंट्स या अभिभावकों की सहायता हेतु किस प्रकार का परामर्श दिया जा सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे, सामान्य विद्यार्थी जीवन में विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करने से व्युत्क्रमानुपाती अनुपात का संबंध स्वीकार किया जाता है, ऐसे में सदैव परिस्थिति को विद्यार्थी अध्यापक संगति में रहता है और शैक्षिक लाभ प्राप्त करता है। विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करने पर सही परामर्श दिया जा सकता है, विद्यार्थी लगातार विद्यालय आकर अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। तो आंसर का चॉइस का अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, वह अध्यापकों को या अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अंतर्दृष्टि, सेकंड है मानसिक प्रारूपता, थर्ड है मोर्चनबंदी, थर्ड है निर्धारण। तो यहाँ पे समस्या समाधान पूछा गया है, समस्या समाधान में से क्या बाधित नहीं करता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आंसर भी उसी अकॉर्डिंग देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा अंतर्दृष्टि, क्योंकि अंतर्दृष्टि का सामान्य संबंध किसी विशेष वस्तु के संबंध में किसी भी विशेष कारण या प्रभाव को समझने से है, अतः समस्या समाधान को यह किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट होगा हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पाठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखाना या लिखाना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। ऑप्शन है वह बच्चों की पाठ समझाने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, सेकंड है वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, थर्ड है वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है, फोर्थ है वह शिक्षार्थी विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूलन स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक शिक्षिका है पाठ को पूर्व पाठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखाना सिखा रही है, तो वह किस प्रकार की प्रक्रिया की गतिविधि कर रही है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो शिक्षिका द्वारा पाठ को पूर्व पाठित पाठ से जोड़ने पर या सारांश लिखाने पर वह स्पष्ट करता है कि दोनों अलग अलग पाठों में जोड़कर या पाठों को जोड़कर उनकी विषय वस्तु को संक्षेप में लिखकर शिक्षिका बच्चों की पठन और लेखन शैली को विकसित करने का प्रयास कर रही है, जिससे बच्चे किसी भी विषय या पाठ्य वस्तु को समझकर उसे संक्षेप रूप से लिखने में सामर्थ्य हो सकेंगे। तो आंसर या करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अधिकाधिक सामान्यीकरण, सेकंड है सरलीकरण, थर्ड है विकासात्मक, फोर्थ है अध्यात्मक शुद्धता। जैसे कि अभी क्वेश्चन बोला कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा उसे सेकंड भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों बच्चे जो किए हैं वो कौन किस समान प्रकार की त्रुटि करेंगे, वो किस प्रकार की कर सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं विकासात्मक त्रुटि के अनुसार
किसी व्यक्ति द्वारा की गई त्रुटि का संबंध उसके द्वारा सीखी गई प्रथम भाषा से नहीं होता है, बल्कि किसी अन्य भाषा से को सीखने में के क्रम में त्रुटि कही गई है और मातृभाषा सीखने वाला बच्चा उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीखने वाला बच्चा विकासात्मक त्रुटि करेगा। तो आंसर इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड, विकासात्मक त्रुटि करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञान भावना, सेकंड है तनाव विलोपन, थर्ड है निष्पत्ति चिंता, फोर्थ है संज्ञान या संज्ञान प्रतियोगिता। तो क्वेश्चन बोला गया कि परीक्षा तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, तो यह तथ्य किस प्रकार से संबंधित स्पष्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बात करती हैं संज्ञान भावना, क्योंकि यह तनाव प्रत्यक्ष रूप से भावनाओं और किसी विषय वस्तु को संज्ञान में लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो आंसर का करेक्ट हो जाएगा इसका कौन है हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पादकता प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूलन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें, सेकंड है वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है, थर्ड है बच्चों या विद्यार्थियों को व्यवस्थित के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा प्रभावित परामर्श है, फोर्थ है इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यवसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो जैसे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एक अध्यापक बच्चों के परामर्श करते हैं और निश्चयात्मक प्रगति या दुर्घटना के पश्चात अनुकूलन नहीं है, तो वह कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए बेहतर हो सकती है, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला गया। तो जैसे कि यहाँ पे बात करती हैं कि अध्यापक के लिए सबसे बेहतर परामर्श है कि वह अपने सकारात्मक विचारों द्वारा उसे बच्चों की खोए हुए आत्मविश्वास और मनोवैज्ञानिक विकास में वृद्धि करे, जिससे किसी अन्य विकल्प को चुनने हेतु या सलाह देना या अन्य कुशल विशेषज्ञ द्वारा किसी कार्य प्रक्रिया को अपनाना बच्चे की कार्मिक और दीर्घकालिक विश्वास या आत्मविश्वास निर्णय में परिस्थिति अनुकूल परामर्श होगा। तो आंसर है करेक्ट वॉइस का अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह एड्रेस करेंगे थोड़ा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंच कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो क्वेश्चन में कम प्रेरक के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, सेकंड है अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही और सहयोग संबंध विकसित करना, थर्ड है उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है, फोर्थ है संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए और उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो जैसे कि यहाँ पे एक विद्यार्थी है उच्च स्तरीय रंगमंच सृजनशील या करना कलाकार बनना चाहता है, तो निम्न से कौन सा कम प्रेरक पूछा है, नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर भी अभी नेगेटिव में ही देना हुआ। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि उसे छात्रवृत्ति पाई जा सके, आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह स्पष्ट या मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वेंडुरा, सेकंड है मैस्लो, थर्ड है स्किनर, फोर्थ है प्याजे। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सिद्धांतकार अपना मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, तो कौन सा करता है इसमें से, कि आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग मैस्लो, सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए या बढ़ा देना, सेकंड है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सफलता या सहायता देना, सेकंड है सॉरी थर्ड है
समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुशासन पद्धति पर टिके रहना, फोर्थ है कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा तत्व है वो अधिगम हेतु या कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, तो कौन सा तत्व सहायक हो सकता है। तो जैसे क्वेश्चन बात करते हैं कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, तो इसका अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते साथ ही। परिपक्व विद्यार्थी फर्स्ट अपने इस बात से विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन से भावना का कोई स्थान नहीं है। सेकंड है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। थर्ड है, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। फोर्थ है, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परिपक्व विद्यार्थी किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं, परिपक्व एक संबंधित बौद्धिक और भावनात्मक दोनों रूपों में परिपक्व होने से है, इसलिए परिपक्व विद्यार्थी निर्णय लेने और बौद्धिक और भावनाओं दोनों का परिस्थितियों और विषय वस्तु के अनुसार प्रयोग करते हैं। वह कभी कभी भावनाओं का भी सहारा अपने अध्ययन संबंधी कारकों में लेता है। तो आंसर करेक्ट हुआ इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड, अपने अध्ययनों में कभी कभी भावनाओं का सहारा भी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, दो वर्ष पश्चात वही बच्चा जो प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधों व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं, उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सक्था है। फर्स्ट ऑप्शन है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। सेकेंड है, विकास निरंतरीय हो जाता है या होता रहता है, सॉरी। थर्ड है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। फोर्थ है, विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पूर्व विद्यालय से पहली बार बच्चा आया है जो कि मुक्त रूप से चिल्लाता है और दो वर्ष पश्चात वही बच्चा क्या है प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता क्योंकि उसके जो कंधे व गर्दन के मांसपेशियां तन जाती है, तो यह व्यवहार किस सैद्धांतिक आधार पर हो सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया। जैसे कि हम बात करते हैं, विकास एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सोपान और लक्षणों से गुजरना पड़ता है। विभेदी और एकीकरण नहीं, उन्हीं में से दो लक्षण है, इसलिए पहली बार आया बच्चा और दूसरी बार आया बच्चा यद्यपि एक ही है किंतु उसकी प्रतिक्रियाएँ भिन्न हैं, तो विकास के कारण हुए परिवर्तन को उसके व्यवहार में और क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करता है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं साथ साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कथन सत्य पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता की प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। सेकंड है, गोद लिया गए बच्चे को वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। सेकंड है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। फोर्थ है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ से बात करते हैं, किसी व्यक्ति की किसी विशेष परिस्थिति या अथवा विशेषण पर्यावरण में प्रतिक्रिया उसकी आनुवांशिक बनावट और उसके विकास के क्रम में सीखी धारणा की गई मान्यताओं को निर्धारित होती है। इसके साथ साथ किसी परिवेश गुणवत्ता आदि के प्रति उस व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्यात्मकता को प्रभावित करती है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों, सेशन हमारे यहीं समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।